फोन उठा लो बेटा, फोन उठा लो। ऋषभ क्यों फोन नहीं उठा रहा मेरा? फोन उठा लो बेटा, फोन उठा लो। एक्सक्यूज मी, प्लीज अपने अपने फोन साइलेंट मोड पे कर दीजिए और इस बास्केट में रख दीजिए। अब आपके फोन पार्टी के बाद ही आपको मिलेंगे। थैंक यू, प्लीज। फोन कट हो गया। मुझे लगता है फोन जरूर कहीं दूर रखा है, इसलिए मेरे फोन की रिंग उसको सुनाई नहीं दे रही होगी। मैं प्रीता को फोन लगाती हूँ। प्रीता फोन उठाले, फोन उठाले बेटा, फोन उठाले। ऋषभ की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उस लड़की को मैं उस घर की बहू नहीं करने दूंगी। दादा दादा आपने थोड़ा तेज चलाइए और शॉर्टकट से ले लीजिए। शॉर्टकट आपको पता है? हाँ मुझे पता है, आप सीधा लीजिए, मैं बताती हूँ। जी हाँ। तुम्हें संजय समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोई लड़का तुम्हें दिखता ही नहीं है। हाउ रूड बचर पट्टू, तुम कुछ ज्यादा ही गलत नहीं बोलते? वैसे तुमने सही कहा, मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेकअप के बिना ही अच्छी लगती। प्रीता क्यों, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अपने आप से अकेले में बातें करी या कोई बात करने वाला मिला नहीं? देखो तुम ना मुझे ज्यादा छेड़ो मत, अगर मैं चाहूँ ना तो हजारों की लाइन लगा दूँ यहाँ। वो तो मैं किसी को भाव ही नहीं देती। प्रीता रोड़ा, मैं ना वो सब्जी वाले किराने वाले भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझी तुम? मैं ना तुम जैसा को भी भाव ना दो। Excuse me, I'm the Karan Luthra, okay? या यूँ कहो कि तुम क्लासी लोगों को भाव नहीं देती, या फिर क्लासी लोग तुम्हें भाव नहीं देते। अपने मुंह मियां मिट्टू। और तुम अपने मुंह बीवी मिट्ठा। बीवी मिट्ठा? हाँ बीवी मिट्ठा। क्या क्या मतलब? तुमने मुझे मियां मिट्ठू बोला, मैंने तुम्हें बीवी मिट्ठा बोला, that's it. Oh my God, बजर बट्टू, हर चीज का जेंडर चेंज नहीं होता है। मैं तुम्हें एक कहावत कह रही हूँ, कहावत को सब आप लोगों ने तो मरवा दिया मुझे यार। क्यों? आज तो मेरा झगड़ा हो जाएगा पार्टी में। किस लड़कों से? वो आपको छेड़ेंगे, मुझे आप लोगों को बचाना पड़ेगा। मॉम आप एक काम करो, आप ना मेरा बैट भी ले, काम आएगा उनको पीटने के लिए। Right? My God, Karan, darling, कितना बोलते हो तुम? अरे बुआ, बोलती तो आपने मेरी बंद कर दी है यार। कितने सेक्सी, कितने हॉट लग रहे हैं यार दोनों। Thank you so much. पुत्र, अटैक आ गया क्या? कैसे घूर रही है मुझे? टेंशन ना ले, तेरे लिए भी ऐसे कपड़े लेकर आई हूँ, मेरे कमरे में आए, जा पहन ले। नहीं मम्मी जी, मेरी ये साड़ी अच्छी है। Oh my God, भाभी डार्लिंग, आप इतनी ओल्ड फैशन क्यों हैं? साड़ीज आर ओल्ड फैशन, ये एक बैचलर पार्टी है, आज के दिन कम से कम हम प्रिटेंड कर ले कि हम सारे बैचलर्स। लेकिन दीदी मैं कैसे प्रिटेंड कर सकती हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, बड़े बड़े बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता। व्हाटएवर, कम
Let's enjoy. Come on, darling. Bye, girls. Bye. Preeta, puttar tu mere saath chal. Mujhe kuch kaam hai tujhse. So good to see you, sir. Thanks for coming. Just be on. Just kya kaha hai? ये सब क्या बैठे हैं ये लड़कियां हैं और कैसे अच्छी लड़कियां यार तू मारा क्यों मेरे को थैंक यू सो मच एंजॉय योरसेल्फ क्यों परेशान कर रही है अरे देखो ना जैसे मानो पार्टी है थोड़ी मस्ती चलती है क्यों छिड़ रहे हो इतना मियां मैंने आपको कहा था ये बैचलर पार्टी घर पे मत रखो अच्छा क्या अच्छा क्या अच्छा सा कर रहे हो हां ऋषभ क्या तू अपने डैड के सामने ड्रिंक कर रहा और सैमी तू अपने चाचा के सामने मतलब ड्रिंक कर रहा है शर्म नहीं आ रही तुझे शर्म वाली क्या बात है बैचलर पार्टी है पीने दो बेचारे बेचारा कितना परेशान लग रहा है ऐसी होती है बैचलर पार्टी बहने परेशान कर रही है चाचू बोल रहे ड्रिंक मत करो कुछ देर में चाची आके बोलेंगी लड़कियां मत घूरो ऐसा लग रहा है बैचलर पार्टी के नाम पे जगराता चल रहा है पंडित पंडित को भी बुला लो चिल कर वैसे आप सब लोगों ने मिलकर ना उसका मूड पूरा खराब कर दिया बेचारा इतने आराम से इधर उधर ढूंढते हुए एक एक सिप पी के एंजॉय कर रहा था आप लोगों ने पूरी उसकी पार्टी स्पॉइल कर दी मैं तो कहता हूँ ऋषभ भाई ये बैचलर पार्टी कल दोबारा करते हैं इसमें सिर्फ आप मैं और करण भाई होंगे तीनों भाई मिलकर नहीं लड़कियां अलाउड ही नहीं है बोलो ना लड़कियां अलाउड ही नहीं है अच्छा लड़कियां अलाउड नहीं है तो बेटा कहाँ रखनी है पार्टी बता लड़के तो अलाउड है ना मैं तो आ ही सकता हूँ चाचू बैचलर पार्टी का मतलब बता वहाँ बैचलर्स होंगे बैचलर पार्टी क्या आपकी यार बैचलर नहीं हाँ ये तो गलत अरे गलत क्या है सब ठीक है सब अच्छा है तन्वी बताए कहाँ है किसी को हाँ ये देख जेब में मेरी आपने बहुत क्या आपने बहुत अरे बस करे हाय ऋषभ लूथरा कौन है मैं डांस ग्रुप की हेड हूँ मैं ऋषभ लूथरा का छोटा भाई समीर लूथरा यू आर लुकिंग वेरी नाइस नाइस टू मीट यू सो मच डैड मैं सोच रहा हूँ आज की पार्टी कैंसिल ही कर देते हैं क्यों? अरे भाई तू ही तो कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बिल्कुल बोरिंग पार्टी है मजा नहीं आ रहा पार्टी नहीं, 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 नहीं पार्टी अभी करेंगे बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है ये ऋषभ लूथरा है और ये इनके ओल्डी गोल्डी डैडी महेश लूथरा हाय आप लोगों का ग्रुप आ जाए तो आप बताइएगा हम डांस स्टार्ट कर देंगे जी सर बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आइए आइए थैंक यू अरे कहाँ क्या कर रहा है भाई मतलब देखा भाई ना आपने चैनल में उछाल डांसर को देखते ही मैं सबको बताऊंगी आप डांसर को देखे कैसे उछल रहे थे रुको अभी तो तू मुझे परेशान मत कर ऋषभ उसको बोलो मुझे परेशान ना कर यार तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे कि बैचलर्स पार्टी में इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं आती मुझे पहले पता होता ना तेरी हल्दी मेहंदी और मेरा करवा चौथ सबके लिए मैं बैचलर्स पार्टी का इंतजाम करता अच्छा आई मीन इतनी अच्छी और डिसेंट लड़कियां मैंने पहले कभी देखी नहीं मतलब बैचलर्स पार्टी देखो भी मत अरे संजना जी आप अकेली घूम रही हैं शर्लिन दिखाई नहीं दे रही वो पार्लर में थी मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुँची है वो हाँ एक्सक्यूज मी अभी आए यहाँ पर कोई नहीं है शर्लिन को यहाँ से फोन कर लेती हूँ ऋषभ को तो मैंने बोल दिया कि वो पार्लर गई है पता तो करूँ आखिर ये लड़की है कहाँ गॉड नोज मेरी कुंडली में पृथ्वी के साथ शादी लिखी भी है कि नहीं पहले जब हम शादी करने वाले थे तो ऋषभ लूथरा की वजह से रुक गई अब हम जब शादी करने जा रहे थे तो थैंकी सल्ला ने आकर रोक दी जब पृथ्वी से शादी करनी है सब हमारी शादी के दुश्मन हैं आप भी हमारे दुश्मन हो गए हो क्या चलो मेरी खुद की मॉम मेरी दुश्मन हो गई है सॉरी मॉम मुझे इस वक्त आपसे बात नहीं करनी मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ ये शर्लिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है ओ तो यहाँ छिपके अपनी बेटी को फोन कर रही है और बेटी फोन नहीं उठा रही कुछ तो गड़बड़ है पता लगाना होगा ऐसी कौन सी जगह चली गई है जो मेरा फोन नहीं उठा रही है हद है मतलब समझना चाहिए ना इसको कि अगर उसकी माँ उसे बार बार फोन कर रही है मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम है लेकिन नहीं फोन नहीं उठाएगी कमाल आज तो शर्लिन के लिए बहुत बड़ा दिन है और वही गायब है जिस शादी के लिए वो इतनी मरी जा रही थी उसी शादी की बैचलर पार्टी में अब तक नहीं आई मतलब इससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकता है उसकी लाइफ में या कहीं फंस गई है कहाँ गई होगी और इसकी मॉम इतनी टेंस क्यों है और सबसे बड़ा सवाल वो अपनी मॉम का फोन क्यों नहीं उठा रही ये मॉम भी ना
अगर मैं फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब मैं बिजी हूं ना, क्यों बार बार फोन पे फोन कर रहे हैं? फोन काट दिया? लगता है कहीं बहुत बिजी होगी इसीलिए मेरा फोन काट रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। क्या अदा, क्या जलवे, क्या नखरे हैं मैडम के। नहीं मतलब बेटी एटीट्यूड की दुकान तो माँ एटीट्यूड का पूरा मॉल ही है। अभी तो ग्रिप कर रही थी। करण सर मेरे सामने तो फुल ऑन एटीट्यूड में कैट वॉक करके गई है मैडम। हाय, बेटी को फोन मिला रही थी, बेटी फोन उठा नहीं रही थी। माँ को नहीं पता कि बेटी कहाँ है। शॉकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन कि वो दाढ़ी वाला बकरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। You mean Sherlyn and Prithvi? Correct. मुझे तो पहले से यकीन था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है और यही बात मैं प्रूफ करने शर्लिन के घर गया था, लेकिन उन दोनों ने चाल चल के मुझे अरेस्ट करवा दिया। अच्छा। क्यों? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे तो दी ने कहा था कि आप शर्लिन के घर गए थे बैचलर्स पार्टी का इन्विटेशन देने, बट आई थिंक वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं थी, अंधेरे में उसने आपको शायद देखा नहीं तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। तेरी प्रीता दी ना, आई मीन तेरी वो चौथी फिल प्रीता दी, उसने तो उसे झूठ बोला। एक्चुअली ये सब हमने पुलिस को बोला था, उसे तो मुझ पर यकीन ही नहीं। तुझे तो है ना मुझ पर यकीन? अरे ऑफ कोर्स सर, अगर कोई मुझे आके ये कहे ना कि आपने खून कर दिया है, मैं तब भी उसकी बात ना मानूं, इतना अटूट विश्वास है आप पे। क्या बात है। थैंक यू सिस्टर, आई लाइक यू। थैंक यू सर। लेकिन सर अभी हमें एक काम करना होगा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सब लोग ये बात मान जाए कि शर्लिन और पृथ्वी के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। सर इससे दो जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, एक आपके भाई की और एक मेरी बहन की। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है यार। क्या? एक्चुअली शर्लिन और पृथ्वी को ये पता चल गया कि मुझे उन दोनों के चक्कर के बारे में पता है, इसलिए वो दोनों अलर्ट हो गए होंगे। तो सर है ना एक आइडिया। क्या? लेकिन रिपीट वाला आइडिया है, मतलब पिछली बार काम नहीं किया था, शायद इस बार काम कर जाए। मतलब पिछली बार हमें पता नहीं था ना कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन इस बार सर वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद उजाला, हार के बाद जीत, बस यही होने वाला है, समझ जा। क्या बात है सिस्टी यार, बड़ी अच्छी लाइंस मार रही है इनमें, बिल्कुल डायलॉग्स हैं। राइटर बन रही है क्या? नहीं सर, राइटिंग शाइटिंग नहीं करनी है मुझे, मैं तो जासूस बनूंगी या तो कोई पुलिस वाले। नहीं वो होता है ना कि काम करो तो ऐसा करो कि जिसमें थोड़ा हाव, थोड़ा भाव, थोड़ा ताव, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा रिलैक्स। अब थोड़ा पटरी पे आ जाए, बता पिछली बार क्या वर्कआउट नहीं हुआ, जॉब हो जाएगा। सच उगलवाने वाला इंजेक्शन। सर पता है कि मोनिशा को मैंने हाई डोज दे दिया था, लेकिन इस बार मुझे पता है कि कितना डोज देना है, कितना नहीं, कैसे लगाना है, सब कुछ पता है मुझे। गुड, जाके लिया। अरे सर हलवा नहीं है, सच उगलवाने वाला इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। हाँ वो मेरी सेटिंग है तो इसके लिए मिल गया था, समझ रहे हैं आप। अरे तो लेकिन गाइस बैचलर्स पार्टी के डांसर्स आ गए, उनका आउट टाइम खत्म होते ही दूसरा बैच आएगा और डांस शुरू होने वाला है, सो लेट्स गो। एक काम करिए, तू अपनी सेटिंग बाद में ले आना, अभी चल पार्टी एंजॉय। ओके। तू भी पहना गाउन? अच्छा नहीं लगता। प्लीज दीजिए ना गिरीश। मैम नहीं, मम्मी जी। अरे बोलने देना उसे मैम, आज मैं मैम लग रही हूँ। मम्मी का पोस्ट हटा दो प्लीज। He thinks I'm a hot babe. Yes. गिरीश तुम जाओ। करीना मैम। देखा, माँ हॉट बेब और बेटी नहीं लग रही हॉट बेब। आवाज से पहचान लिया। Oh, if you say so. But that's true. Okay. गिरीश तुम जाओ। अपनी मॉम को टीज करना बंद कर दो। ओके मॉम, ओ माय गॉड, यू लुक सो हॉट। थैंक यू। ओ माय गॉड, इतनी हॉट मॉम है मेरी, मतलब फोन करके आती, वो बास्केट में फोन रखा हुआ था, फोन कर दिया। ओके
अरे इतनी सुंदर सुंदर डांसर्स आई हैं, मजा आएगा देखने में। और दिखता नहीं क्या सैमी, ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी अपनी स्पीड को ब्रेक लगाओ। वैसे भी अच्छा है तुम मुझसे टकरा गए, अगर किसी और लड़की से टकराते ना तो दो चार गालों पे हाँ पड़ जाती। वैसे जा कहाँ रहे हो? डांस देखने चलते ना। अरे एक मिनट, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। मैं अभी जस्ट फोन मोन छोड़ तुम इसे चलो। अरे फोन में कुछ नहीं, अरे फोन में कुछ नहीं रखा, चलो। Just bounce. नचदे टपदे तेरे नाल सोने ओए, खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे वाल सोने ओए, तू कीता जो दिल मैनू ऑफर, तू कीता जो दिल मैनू ऑफर, चटपट मैं मन गई ओ मुंडिया ते कुड़िया दे, कुड़िया ते मुंडिया दे, मुंडिया ते कुड़िया दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई बन गई, ओ मुंडिया ते कुड़िया दी अख लड़ गई। मुझे लगता जान जान के मिलती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। मुंडिया ते कुड़िया दी गल बन गई, बन गई गल बन गई बन गई, कितनी अच्छी और परफेक्ट फैमिली है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। मेरी बेटी को ये सब दिखाई क्यों नहीं देता? पता नहीं चलने को पृथ्वी में क्या दिखाई देता है। से क्या हो गया? सासू माँ को पता चल गया कि शर्लिन बेबी की लाइफ में कोई और लड़का है, ऋषभ लूथरा ने। और अगर सासू माँ ने ऋषभ लूथरा को जाकर ये बता दिया कि तुम्हारी होने वाली पत्नी की लाइफ में कोई और लड़का है, फिर क्या होगा? जो भी होगा, मैनू की फर्क पैंदा है? क्योंकि सहरे के पीछे इस चेहरे को सासू माँ ने थोड़ी ना देखा है। नहीं, मैं सेफ जोन में होने के बावजूद सेफ नहीं हूं, क्योंकि अगर ऋषभ लूथरा को पता चल गया कि उसकी होने वाली पत्नी यानी कि शर्लिन बेबी की लाइफ में कोई और लड़का है, फिर वो क्या करेगा? शादी तोड़ देगा शर्लिन बेबी के साथ। अगर इस चीज को देखकर वो मूर्खों की महारानी प्रीता जी से जल बुन गई
फिर वो प्रीता जी को जाकर सब कुछ सच सच बता देगी कि उसके यानी कि शर्लिन और मेरे बीच में कुछ है, और फिर वो गिल्ली डंडा प्लेयर बंदर की तरह कूदता हुआ आएगा और बोलेगा, देखा प्रीता, मैंने कहा था ना तुमसे, शर्लिन और पृथ्वी के बीच में कुछ है, पृथ्वी सही लड़का नहीं है। नहीं नहीं, सिचुएशन बहुत डेंजरस है, मैं सिचुएशन को इतनी लाइटली नहीं ले सकता, इस सिचुएशन को किसी भी हाल में मुझे हैंडल करना ही होगा। पर कैसे, अरे कहां ढूंढूं मैं सरला आंटी को, पागलों की तरह सुनसान रास्ते में कब से घूम रहा हूं, कब से उन्हें ढूंढ रहा हूं। और वहां लूथरा हाउस में बैचलर्स पार्टी चल रही होगी, सब लोग कितना मजा कर रहे होंगे।